हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फास्ट स्टडी डेटा बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपके सामने फिर से क्लास टेंथ का मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए इसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। ठीक है, हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको मैं पहली वीडियो में सॉल्व करती हूँ, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, आइए दूसरे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आपके सामने क्या है, आपको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रूट टू दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1/3 दिया है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न की तरफ लिखेंगे क्या, पहले माना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक बहुपद है जिसके अल्फा और बीटा शून्यक हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इनके शून्यक हैं। ठीक है, शून्यक हैं, इतनी बात आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप शून्यक हैं लिख दिए, उसके बाद आपको क्या करना है, तब आप क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लीजिए। तब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया आपके सामने, रूट में 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया आपको, तो ये 1/3 दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे द्विघात समीकरण एक लगाएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, तो आपको पता है द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, उसको हम प्रयोग करते हैं उसका। ठीक है, लिखेंगे द्विघात समीकरण करके हम द्विघात पॉलिनोमियल्स ज्ञात करेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण बराबर फार्मूला क्या होता है द्विघात समीकरण का, तो एक फार्मूला आता है, आप इसको ध्यान रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, आइए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। देखिए इसका प्रयोग करके हम प्रश्न को आगे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आपको क्या दिया है, तो वन ये दिया है रूट में 2, रख दीजिए आप यहाँ एक्स। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह दिया है 1/3। ठीक है, आइए सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, रूट में 2 एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1/3। अब देखिए मैं आपको बताया था कि अब इसको सॉल्व करना है, तो इसके बट्टे भी कुछ नहीं, इसके बट्टे भी कुछ नहीं, यानी हर में नहीं है, एक है। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना है, तो एलसीएम लेंगे तो आप लंबा पड़ेगा। आप डायरेक्टली क्या करिए, एक बार इसका गुणा कर दीजिए 3 का इसमें, और एक बार इसका इसमें कर दीजिए 3 का। ठीक है, जब इसमें करेंगे क्या हो जाएगा, 3x² माइनस ये क्या हो जाएगा, 3^2x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 1, यानी जिसके हर का मल्टीप्लाई करेंगे उसके अंश को उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, अपान क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा आपका 3। ठीक है, देखिए जब ये द्विघात समीकरण बनाएंगे इसको, तब इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बटा एक करके क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका इधर, इसका इधर करेंगे क्या हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 3, ठीक है, रूट में 2x। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए आपका समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, अब समीकरण प्राप्त हो गया, अब आप क्या लिख सकते हैं, अब लिखेंगे इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार, इसलिए दी गई परिस्थितियों के अनुसार द्विघात बहुपद। अब देखिए इसको क्या लिख दीजिए, 3x² माइनस 3x रूट आप 2 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 1 क्या हुआ, प्राप्त हुआ। ठीक है, पॉलिनोमियल्स के लिए देखिए ऐसे लिखेंगे आप, और यही पे इक्वेशन रहता है, इसके बराबर 0 दिखा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।